नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। में टमाटर लहसुन की किल्लत, भारत से हो रही जमकर तस्करी। लाहौर, पुलवामा अटैक और उसके बाद भारत की एयर स्ट्राइक के चलते पाकिस्तान में टमाटर और लहसुन की किल्लत काफी बढ़ गई है। हालत यह है कि लाहौर के बादामी बाग स्थित सब्जी मार्केट में 2 घंटे के भीतर भारत से पहुंची 2 ट्रक लहसुन बिक गई। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। अखबार के मुताबिक भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़े जाने के बाद भारत से टमाटर और लहसुन की तस्करी शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच तनाव के चलते कारोबार ठप हो गया था और ट्रकों की आवाजाही भी रुक गई थी, लेकिन अब श्रीनगर से पाकिस्तान के कब्जे वाले चिकटी के बीच ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई है। रावलपिंडी और लाहौर के बाजारों में भारत से आई सब्जियों से लदे ट्रक पहुंचने लगे हैं। शुक्रवार को लाहौर के सब्जी बाजार में भारत से गया 2 ट्रक लहसुन पहुंचा। बाजार के एक होलसेलर ने यह ऑर्डर दिया था। होलसेलर एसोसिएशन ने भारत के खिलाफ बैन लगा रखे हैं, लेकिन कुछ कारोबारी भारत से आई सब्जियों को बेच दाम कमा रहे हैं। लाहौर के बादामी बागफल एवं सब्जी मार्केट की एसोसिएशन के महासचिव के चौधरी खलील महमूद के मुताबिक यह ट्रक तस्करी के जरिए पहुंच रहे हैं। खलील ने दावा किया कि सीमा पर घुसखोरी के जरिए ट्रकों को पाकिस्तान में एंट्री दी जा रही है। ऐप शेयर